हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। ओके, कल तक हमने अपना जो सोम है उसका 50% हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं और शुरू करेंगे, वो है इरिगेशन और वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। ओके, देखो मेरा क्या मानना है कि एक ही सब्जेक्ट को अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत उसमें क्या होती है, बोरियत सी होती है ना। तो वो पूरा हमारा न्यूमेरिक पोर्शन है, उसमें सारे फॉर्मूले होते हैं, थ्योरी भी है। बट इरिगेशन क्या है हमारा कि इसमें ऑलमोस्ट थ्योरी है। मान लीजिए 80% थ्योरी है, 20% फॉर्मूला है। तो हम सोच रहे थे कि जैसे सोम चल रहा है उसी टाइम में अगर हम इसको भी कंटिन्यू कर लेंगे तो दोनों एक साथ ही कवर हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम भी हमारा वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये है हमारा, आज हम शुरू कर रहे हैं इरिगेशन और वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। तो इसमें टोटल 7 चैप्टर्स हैं, एक करके हम हर एक चैप्टर को रिवीजन में लेंगे पर डे। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, इरिगेशन एंड इट्स मेथड, सॉयल मॉइस्चर, प्लांट एंड रिलेशनशिप। एंड थर्ड वन इज़ वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, फोर्थ इज़ कैनाल डिज़ाइन, एंड फिफ्थ वन इज़ अर्दन डैम्स। ओके, एंड सिक्स्थ इज कैनाल इरीगेशन, लास्ट एंड सेवन्थ इज़ वाटर लॉगिंग। ओके, ये टोटल 7 चैप्टर्स हो गए हमारे। तो हम शुरू करेंगे चैप्टर फर्स्ट, उसके पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेते हैं इरीगेशन के बारे में। इरीगेशन जो मीनिंग होती है इसका, मतलब तो सिंचाई होता है, सबको पता है। ठीक है, बट इन डेफिनेशन के फॉर्म में हमारा इरिगेशन क्या होता है, उसको हम कैसा डिफाइन कर सकते हैं, पहले उसको हम समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम लेते हैं इरिगेशन। इरिगेशन होता क्या है एक्चुअली, जब हम पुराने टाइम में जो हमारे यहाँ खेती होती थी तब हम जो वो सिंचाई करते थे बारिश के पानी पर टोटली डिपेंड होते थे। बट हर एक समय बारिश का होना ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो जो हमारे ये आर्टिफिशियल जैसे या फिर कुछ जो सोर्सेज होते हैं लाइक अ रिवर या फिर हमारे लीजिए पॉन्ड्स, नदी वगैरह, वहाँ से हम पानी को कलेक्ट करके सिंचाई करते थे। बट अब क्या हो गया कि थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया है, तो चीज़ें भी थोड़ा सा टेक्निकली आने लगी हैं। तो इरिगेशन इज़ नथिंग, ये कह लीजिए एक प्रकार की साइंस या फिर टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हम अपने वेजिटेशन या प्लांट्स को पानी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब जो इरिगेशन होने लगा है हमारा, इसमें कुछ मैकेनिकल डिवाइस का यूज़ करते हैं लाइक अ पंपिंग सेट, ट्यूबवेल। ओके, एंड जैसे रिवर्स हो गई हमारी, बैंक ऑफ रिवर्स के थ्रू हम कई सारी वो बनाते हैं, इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज बनाते हैं और वहाँ से पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं और सीधा उनको फील्ड में भेजते हैं। ठीक है, तो आइए हम अब देखते हैं कि ये तो हमारा हो गया इरिगेशन इन सिंपल लैंग्वेज। देन टाइप्स ऑफ इरिगेशन, क्या क्या टाइप्स के हमारे इरिगेशन के, वन बाई वन उसको हम थ्रू आउट करेंगे। फर्स्ट क्या है सरफेस, एंड सेकेंड क्या है सब सरफेस। ये तो उसका क्लासिफिकेशन हो गया, बट सरफेस और सब सरफेस के भी सब पार्ट्स हैं। ठीक है, जैसे कि सरफेस हमारे क्या होता है, पेरेनियल हो गया, फिर सेकेंड पे हो गया फ्लड और इनअंडेशन सरफेस इरिगेशन। और पेरेनियल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट एंड स्टोरेज। ठीक, तो पहले इसको हम समझ लेते हैं फिर हम सब सरफेस को समझेंगे। फर्स्ट में क्या है, सरफेस में क्या होता है, एक हमारा होता है फ्लो, एक होता है हमारा लिफ्ट। ओके, फ्लो और लिफ्ट। फ्लो में क्या होता है कि हम सरफेस पे पानी को ऐसे ही फ्रीली छोड़ देते हैं और फिर वो हमारे फील्ड तक जाता है। और लिफ्ट वाले केस में क्या होता है, या फिर फ्लो में आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमारा जो ग्राउंड है एंडुलेट है, तो मान लीजिए कोई एरिया बहुत ही हाई लेवल पे है और दूसरा बहुत ही लोअर लेवल पे है, तो वहाँ पे हम ग्रेविटी के थ्रू वाटर को वहाँ से लेते हैं। ठीक है, यूज़ के लिए। और सेकेंड क्या है हमारा, लिफ्ट है। तो लिफ्ट में क्या होता है कि हमारा इसमें पानी को हम किसी भी डिवाइस के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइक अ पंपिंग सेट, वहाँ से पानी लिफ्ट करते हैं, तो हमारा हो जाएगा लिफ्ट इरिगेशन। अब हम बात करते हैं पेरेनियल की, तो पेरेनियल का मतलब ही होता है हमारा कि थ्रू आउट द ईयर। पेरेनियल में क्या होता है कि हम थ्रू आउट ईयर वाटर को कॉन्स्टेंट और कॉन्टिन्यूस रेट के साथ खेतों में पानी को प्रोवाइड करते हैं। और इसका सिंपल सा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है गन्ना, शुगर केन। देन उसके बाद हमारा आता है इसका जो हम डिवीज़न करते हैं डायरेक्ट
एंड दूसरा है स्टोरेज। डायरेक्ट में हमने आपको बता दिया कि वाटर को डायरेक्टली फ्लो करा देते हैं, और स्टोरेज में क्या होता है किसी डैम या फिर कैनाल में इसको हम वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं, और जैसे जितनी वाटर की हमको नीड होती है उतना हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा इसका टाइप हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा है फ्लड और इनंडेशन। इसमें क्या होता है, इनंडेशन में क्या होता है कि इसमें खेत में वाटर को प्रॉपरली भर देते हैं। ठीक है, इसमें कोई ना नाली वगैरह नहीं बनाते हैं, फ्रीली वाटर को भर देंगे, और ये एक टाइप का ओल्ड मेथड है। ठीक है, कम्प्लीटली फिल कर देते हैं पूरे फील्ड को हम फ्लड वाले में। देन हमारा नेक्स्ट जो है वो है सब सरफेस इरीगेशन। इसमें क्या होता है हमारा, इसके दो टाइप्स हैं। पहले बात तो सब सरफेस क्या हुआ, एक तुम्हारी सरफेस हो गई जो अपर पोर्शन है, उसके जो जस्ट नीचे का पोर्शन उसे बोलते हैं सब सरफेस। ओके, इसमें हमारा क्या होता है, इसमें भी हमारा टू टाइप्स का है, एक है नेचुरल सब सरफेस इरीगेशन और दूसरा है हमारा आर्टिफिशियल सब सरफेस इरीगेशन। ओके, तो नेचुरल को हम डिफाइन कैसे करेंगे, फिर कैसे समझेंगे। नेचुरल में क्या होता है कि इसमें हम जो वाटर होता है, जो सरफेस पे वाटर होता है, या फिर जो रिवर है, या फिर बैंक ऑफ जो रिवर से वाटर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, या फिर वो कैपिलरिटी एक्शन के थ्रू या फिर सीपेज के थ्रू जाके सीधे नीचे मिल जाता है ग्राउंड वाटर में। ठीक है, और वो जो हमारे प्लांट्स या वेजिटेशन होते हैं उनके रूट जोन को वाटर प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हमारा हो गया नेचुरल तरीके से कैसा हमारा सब सरफेस हुआ। फिर बात करते हैं आर्टिफिशियल में। आर्टिफिशियल में क्या होता है कि इसमें हम कुछ आर्टिफिशियल सिस्टम का सेटअप करते हैं जो रूट जोन को सीधे पानी प्रोवाइड करा सके। तो ये हमारा हो गया पूरा क्लासिफिकेशन के फॉर्म में। ठीक है, अब भाई इरिगेशन है तो इरिगेशन के कुछ हमारे एडवांटेजेस होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। ठीक है, तो उसको भी हम समझेंगे धीरे धीरे। देन पहले तो हम लेंगे कि इरिगेशन का वो क्या है, मतलब कि यूज़ क्या है, इसकी क्या आवश्यकता, क्या ज़रूरत है पानी की, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इरिगेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, सॉरी। तो फर्स्ट जो हमारा लिखा हुआ इनएडिक्वेट रेनफॉल, फर्स्ट इज इनएडिक्वेट रेनफॉल। तो इसमें क्या है कि जो बारिश का पानी होता है वो तो, ये तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ वो पर्याप्त है हमारे लिए। ठीक है, या फिर ऑल टाइम अवेलेबल होगा तो हमें इरिगेशन की नीड तो पड़ेगी। तो ये फर्स्ट हमारा सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, मतलब ये नीड है आप इरिगेशन के लिए। सेकंड क्या है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, अगर बारिश होती भी है, ठीक है, बारिश का पानी आ भी गया तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि हर एक जगह जो हमारी लैंड है वो इक्वल है, या फिर जो फील्ड है वो इक्वली है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इरिगेशन की नीड पड़ती है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। थर्ड वन इज इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड। क्या होता है इसमें कि अगर हमारे पास पानी प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, जितना हमें नीड है पानी की, तो हमें इरिगेशन का मतलब नीड पड़ता है किसके लिए, कि हमें प्रॉपर आउटपुट मिल सके क्रॉप का। ठीक है, यहाँ भी इरिगेशन की हमको नीड पड़ रही है। फोर्थ में क्या है कि ग्रोइंग पेरेनियल क्रॉप्स लाइक शुगर केन। ओके, साल भर पानी को किसी भी प्लांट्स को देने के लिए हमें अगर साल भर पानी की नीड है तो हमको इरिगेशन की नीड पड़ेगी, क्योंकि पानी बारिश का पानी साल भर अवेलेबल नहीं रहेगा हमारे लिए। ठीक, या फिर हमें किसी सोर्स में कलेक्ट करना पड़ेगा लाइक अ रिजर्वायर या फिर डैम में हम पानी को स्टोर करके रखेंगे। फिफ्थ क्या है कि ग्रोइंग टू और थ्री क्रॉप इन अ ईयर। अगर हमारे पास इरिगेशन है तो हम उसके थ्रू एक साल में दो या तीन से फसल उगा सकते हैं ईजिली। ठीक है, एंड सिक्स्थ क्या है कि प्रिवेंशन फ्रॉम द ड्रॉप एंड फेलियर कंडीशन। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर इरिगेशन पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा कि सूखा पड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, या फिर फेमाइन मतलब कि भुखमरी की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए हमें इरिगेशन की नीड पड़ती है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देन हमारा नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द इरीगेशन। ओके, तो डायरेक्ट एडवांटेज क्या है कि जैसे कि हम किसी भी पावर को जनरेट कर सकते हैं, पावर जनरेशन है ना। और फिर सेकंड क्या है कि ट्रांसपोर्ट नेविगेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए। जब हमारा ग्राउंड वाटर का, जब देखिए एग्जांपल के लिए, जब हम कभी बोरिंग करते हैं तो कमी डेप्थ पे हमको वाटर अवेलेबल होता है, और कभी कभी क्या होता है कि आप उसको बोर कर ही रहे हो बट हमको वाटर बहुत ही हाई डेप्थ पे मिलता है। तो एक एग्जांपल ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ठीक है,
फोर्थ वन क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जब इरिगेशन होगा तो इरिगेशन डिपार्टमेंट में कई सारी वैकेंसी जाएंगी, ठीक है, जिससे हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कई सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे डैम के लिए, मैंने बताया ना कि पावर जनरेशन के लिए, तो उसके लिए भी हमको मिलेगा प्रोजेक्ट जिसपे हमको वर्क करना होगा, ठीक है ना। जिससे क्या है कि हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा। तो ये तो जाहिर सी बात है, अगर हमारा कुछ डायरेक्ट एडवांटेज है तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, है ना। देन डिसएडवांटेज क्या है हमारे, कि वाटर लॉगिंग। फर्स्ट वाटर लॉगिंग क्या है कि अगर मान लीजिए कोई हमारी कोई क्रॉप है और उसको वाटर की नीड ओनली मान लीजिए 30 लीटर है, अगर उसको हम लगातार पानी प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, चांसेस ऑफ वाटर लॉगिंग हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड क्या है हमारा, मतलब एक लिमिट से ज़्यादा पानी अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वही होता है वाटर लॉगिंग, ठीक है। फिर क्या है, सेकेंड ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू परकोलेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, ओके, आई थिंक इट्स विजिबल, ओके। ये क्या बोल रहा है कि जब अपने खेत में कोई खाद पांस वगैरह डालते हैं या फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो जो पानी के थ्रू वो क्या होता है, परकोलेट हो जाता है सॉइल के थ्रू ग्राउंड वाटर में, और वहाँ पे जाके वो उसको पोल्यूट कर देता है, ठीक है। एंड थर्ड इज डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर्स डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड प्रिपरेशन वाटरिंग एंड मैन्योरिंग। इसका सिंपल सा क्या मतलब है कि जो हमारी क्रॉप्स होती हैं डिफरेंट टाइप्स, लाइक पैडी क्रॉप्स हो गई है ना, या फिर जैसे धान है या फिर गेहूँ या फिर बाजरा, तो सबकी जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है, फिर जो पानी लेने की जो डिमांड होती है वो अलग होती है, उनको अलग वाटर अलग मैन्योरिंग की नीड होती है। तो ये बोल रहा है कि डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड प्रिपरेशन, ठीक है, वाटरिंग एंड मैन्योरिंग, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज डैम्पनेस इन्वायरमेंट डिजीज मलेरिया एंड डेंगू लाइक दिस। अगर ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि मच्छर जो होते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं, या फिर मच्छर ज़्यादा पैदा होने लगते हैं वहाँ पे, तो उससे हमारी बहुत सारी इन्वायरमेंट हमारा पॉल्यूट हो जाता है, वहाँ पे बहुत सारी डिसीज़ आ जाती हैं लाइक अब मलेरिया डेंगू, ठीक है, तो उसमें वहाँ पे बीमारी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये हमारे हो गए डिसएडवांटेजेस, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टिल नाउ हियर। अब हम बात करते हैं कि मेथड ऑफ इरिगेशन, ओके। तो फर्स्ट बहुत सारे मेथड्स हैं, एक एक करके हम इसको समझेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है, फ्री फ्लडिंग और ऑर्डिनरी फ्लडिंग, ओके। तो ये इसका यूज़ कहाँ पे होता है, फ्री वाले में इसका होता है यूज़ फॉर रोलिंग टेरेन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पूरे फील्ड को हम वाटर से प्रॉपरली फिल कर देते हैं, और इसका जो यूज़ होता है रोलिंग टेरेन के लिए होता है। इसमें ऐसे मान लीजिए एक ये कैनाल है हमारा, और ये मेन सप्लाई है, ठीक है, मेन सप्लाई डिच है, और इसके यहाँ से पानी आया और फील्ड में ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा फ्री फ्लडिंग, इसमें कोई कंट्रोल की नीड नहीं होती है, ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है, और इसको ऑर्डिनरी फ्लडिंग भी बोलते हैं। फ्री फ्लडिंग इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी फ्लडिंग एंड यूज फॉर रोलिंग टेरेन। टेरेन मतलब कि फील्ड कैसा है वहाँ का, ये मतलब सिंपल से हुआ। और एक सेकेंड हमारा क्या है, बॉर्डर फ्लडिंग। बॉर्डर फ्लडिंग में क्या होता है कि हमारा जो होल एरिया है जिसको हमें इरीगेट करना है उसको एक छोटे छोटे स्ट्रिप्स में हम डिवाइड कर देते हैं लाइक दिस, ओके। और वहाँ पे हम कुछ बंड्स या फिर लेवीज बना देते हैं, हाँ, और उसके थ्रू फिर हम जो हम स्ट्रिप प्रोवाइड किए हैं उसके थ्रू हम वाटर को वहाँ से पास कराते हैं सिंचाई के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा वाटर फ्लडिंग। इसमें क्या होता है कि प्रोवाइड वाटर सराउंडेड बेड एंड बंड्स एंड थ्रू लेवीज। इसमें एक हमारा फॉर्मूला है जो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, टी। इसमें क्या है, टी इज इक्वल टू 2.303 y अपॉन का f इन ब्रैकेट एंड log इन ब्रैकेट q अपॉन का q माइनस एफ ए, ओके। तो q तो हमारा जितना जो डिस्चार्ज मतलब जो फील्ड को इरीगेट करना है उसमें कितने डिस्चार्ज की नीड है वो हमारा q हो जाएगा। a क्या हो जाएगा, जिस एरिया को हमको इरीगेट करना है, ठीक है। और f क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन सॉयल, ओके। एंड y जो है हमारी डेप्थ ऑफ वाटर है, हाँ, तो इसको आप ईजली रिमेंबर कर लीजिएगा। टाक मार्क कर देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है।
फिर आपका आता है थर्ड चेक फ्लडिंग। चेक मीन्स यहाँ पे मतलब है कंट्रोल, यहाँ पे वाटर को ईजिली कंट्रोल किया जा सकता है। ओके तो इसमें क्या है कि ये जो सुटेबल होता है ये भी सेम लाइक एज वाटर फ्लडिंग, इसमें भी हम पूरे एरिया को एक स्टेप के फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्टली तो क्या होता है कि क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक ज्वार एंड पैडी के लिए सुटेबल होता है एंड ऑल्सो सुटेबल फॉर परमिएबल एंड नॉन परमिएबल सॉयल। ओके एंड उसके बाद हमारा आता है बेसिन फ्लडिंग। बेसिन फ्लडिंग में क्या होता है कि हम डिफरेंट टाइप्स के जो बेसिन होते हैं लाइक इरेगुलर शेप के या फिर सर्कुलर शेप के या फिर स्क्वायर शेप के बेसिन्स को हम फील्ड में बना करके, और जैसे ये है ये हमारा फील्ड है और मैंने यहाँ पे डिश बना दी ऐसे ऐसे, और यहाँ पे बेसिन है इक्वल डिस्टेंस पे बना बना करके वहाँ पे हम कुछ ट्रीज लगा देते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे वाटर को हम इनके थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर वाटर को रन करा सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये आता है एग्ज़ाम में कि बेसिन फ्लडिंग किसके लिए सुटेबल होता है, ऑर्चर्ड्स के लिए, मतलब बाग बगीचे जब हम लगाते हैं तब हमको बेसिन फ्लडिंग की नीड पड़ती है, एंड नॉट सुटेबल फॉर कोर्स सैंड, जब ग्रेवली ग्राउंड होती है जहाँ पे ज़्यादा मतलब बोलते नहीं रोड़ी पत्थर अगर होते हैं वहाँ पे इसको हम नहीं कर सकते हैं, इट्स ओनली फॉर फाइन सैंड। ओके यहाँ तक आपको शायद क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है फरो इरिगेशन। फरो इरिगेशन में क्या होता है, हमारा फरो का मतलब होता है एक पतला सा रास्ता, ठीक है, जिसे हम नाली बोलते हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये फरो इरिगेशन में ये टाइप ऑफ इरिगेशन है, इरिगेशन मेथड का है, जिसमें क्या करते हैं हम कि सुटेबल फॉर फ्लैट और जेंटल स्लोप्स। देखिए सिंपल सा, जैसे मान लीजिए मेरा फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड है, मैंने बीच में एक फरो बना दिया और यहाँ पे कुछ ऐसे पौधे लगा दिए, इट्स एन एग्जांपल ऑफ पोटैटो। ओके, जब हम पोटैटो की खेती करते हैं तब वहाँ पे हम वाटर इस ड्रेन के थ्रू प्रोवाइड करते हैं और ये सीधे प्लांट्स में जा करके इनके रूट जोन को हिट करता है। ओके तो एग्जांपल हमारा हो जाएगा पोटैटो, तो फरो इरिगेशन के लिए पोटैटो एग्जांपल है मेरा। ठीक, एंड सिक्स इज स्प्रिंकलर इज इरिगेशन। तो इस स्प्रिंकलर के नाम से ही आपको ऐसे ही समझ में आएगा कि छिड़काव, ठीक है, छिड़काव ऐसे कि हम इसमें जो पानी होता है, जैसे मान लीजिए कुछ पौधे जो हमारे होते हैं प्लांट्स वो सीधे रूट जोन को हिट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या फिर बहुत ही वीक हो गए हैं हमारे पौधे, तो हमें स्प्रिंकलर इरिगेशन की हेल्प लेना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि हम कई सारे सेटअप लगाते हैं और जो इसका सेटअप होता है काफ़ी हाई होता है, ठीक है, तो जैसे कि हमारी जो टेरेन है या फिर जो हमारा फील्ड है वो इरेगुलर है, ठीक है, इक्वल नहीं है, उबड़ खाबड़ टाइप का है, तो वहाँ पे पानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, तो हम वहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो पानी हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इरेगुलर टोपोग्राफी के लिए, फर्स्टली तो उसका हम यूज़ करते हैं, ये हो गया। सेकेंड क्या है कि नॉट सुटेबल फॉर लो इनफिल्ट्रेशन रेट, जैसे कि जो जिस सैंड का जो इनफिल्ट्रेशन रेट है वो लो है वहाँ पर ये मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड थर्ड क्या है, बेस्ट सुटेड फॉर वेरी लाइट सॉइल, जैसे कुछ लाइट सॉइल होती है उसमें पानी डालो तुरंत वो नीचे ही एब्जॉर्ब हो जाती है या फिर नीचे परकोलेट हो जाती है ना, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये स्प्रिंकलर मेथड को हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि जनरली यूज़ फॉर टी कॉफ़ी, क्योंकि जो टी कॉफ़ी होती हैं वो ऐसे प्लेन एरिया में लगाते हैं, उनको कैसे लगाते हैं, एक स्लोप पे लगाते हैं ऐसे, एक यहाँ पे एक पौधा यहाँ पे एक पौधा यहाँ पे, तो स्लोप पे ग्राउंड है ना, तो इस पे क्या करते हैं कि स्प्रिंकल के फॉर्म में हम वाटर को प्रोवाइड करते हैं के थ्रू। ओके, तो टी और कॉफ़ी को जो हमारा वो होता है खेती होता है स्प्रिंकल इरिगेशन के थ्रू होता है। ठीक है, और राइस और जूट के में स्प्रिंकल इरिगेशन का कोई यूज़ नहीं है, इसमें क्या स्टैंडर्ड वाटर को हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक, फिर आता है नेक्स्ट एंड लास्ट, और इसे कुछ डिसएडवांटेजेज भी थे स्प्रिंकलर इरिगेशन में, इसमें क्या था कि हमारा जो सेटअप कॉस्ट होता है वो बहुत हाई होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होता है, और ये क्या होता है कि जैसे कि जब हवाएं चलती हैं तो इनके जो सेटअप होते हैं वो उनको इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि आपकी एक क्रॉप तो प्रॉपर ठीक है, तैयार हो गई, फिनिश हो गई,
अगर आप नई क्रॉप लगाते हैं तो उसके लिए आपको ट्रैक्टर की नीड होती है, तो उसको सेटअप को फिर से हटाना पड़ता है या फिर से लगाना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है कुछ बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक, उसके बाद क्या है कि हमारा इसमें जो इवेपोरेशन लॉसेस होते हैं वो भी हाई रहता है, ठीक है, स्प्रिंकलर इरीगेशन के केस में। और फिर आता है हमारा सेवन्थ में क्या आता है कि ड्रिप इरीगेशन का यूज़ हम करते हैं, ऐसे कि बाग बगीचों के लिए यूज़ करते हैं हम। इसमें क्या होता है कि ड्रिप वाले में वाटर एंड फर्टिलाइजर स्लोली, ओके, ड्रिप इरीगेशन में हमारा क्या होता है, ये डायरेक्टली रूट जोन को हिट करता है वाटर यहाँ से। इसमें भी जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो खेत है वहाँ तक का जो, इसमें भी कुछ सिस्टमेटिक पाइप्स लगाते हैं जिसके थ्रू हम वाटर को डायरेक्टली रूट जोन पर हिट करते हैं। तो इसमें क्या पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, वाटर एंड फर्टिलाइजर इज स्लोली एंड डायरेक्टली अप्लाई टू द रूट जोन ऑफ द प्लांट्स। तो यही इसका की पॉइंट है कि अगर आप ड्रिप इरीगेशन देखते हैं तो रूट जोन पर तुरंत टिक कर देंगे। ओके, यही है इसका ड्रिप इरीगेशन। एंड जो हमारा स्प्रिंकलर इरीगेशन एंड ड्रिप इरीगेशन कम्स अंडर द प्रेशराइज इरीगेशन सिस्टम। तभी कोई पूछ लेता है कि ये किस इरीगेशन के अंदर, क्योंकि इसमें प्रेशर का यूज होता है ना, प्रेशराइज इरीगेशन सिस्टम। ओके, टाइप्स ऑफ इरीगेशन प्रोजेक्ट्स, इरीगेशन जो प्रोजेक्ट है उसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे, वो भी किसके बेसिस पे, कल्चरेबल कमांड एरिया के बेसिस पे। ठीक है, मतलब कि कितने हेक्टेयर एरिया को हमको कल्टीवेट करना है, कितने में हमको इरिगेशन करना है, उसके बेस पे हम प्रोजेक्ट को डिवीज़न किए हैं 3 पार्ट्स में, मेजर मीडियम एंड स्मॉल। ठीक है, तो इसको एक एक करके हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा मेजर प्रोजेक्ट है तो उसमें क्या हो जाएगा कि अगर हमारा जो CCA है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 10,000 हेक्टेयर है, ओके, एंड जो उसकी कॉस्ट की प्रोजेक्ट है वो ग्रेटर देन 5 करोड़ है, तो हमारा हो जाएगा मेजर प्रोजेक्ट। और सेकंड क्या है, मीडियम। मीडियम में क्या हो जाएगा, जब हमारा CCA की वैल्यू 2000 से 10,000 के हेक्टेयर के बीच में लाई कर रहा है और इसकी जो कॉस्ट है 0.5 से 5 करोड़ के बीच में लाई कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये मीडियम प्रोजेक्ट। स्मॉल में क्या होता है कि जब हमारी CCA की वैल्यू लेस देन 2000 हेक्टेयर हो जाए और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हो जाएगा 0.25 से 0.56 करोड़ तक, तो इसे हम बोल देंगे स्मॉल इरीगेशन प्रोजेक्ट्स। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, इरीगेशन वाटर क्वालिटी। ठीक है, जो हम वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं फील्ड में उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है कि जो सेडिमेंट्स होते हैं उसमें क्या है कि ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स ना आए, अदरवाइज़ क्या होगा कि जो हमारी सैंड्स हैं वो उनके पोर्स में जाके बैठ जाएंगे और उसको चोक कर देगा। ठीक है, तो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ज़्यादा सेडिमेंट्स नहीं होने चाहिए इरीगेशन वाटर में, फर्स्ट तो हमारा ये होना चाहिए। सेकेंड क्या है हमारा कि टोटल कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट्स। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है, CS निकालने का एक फॉर्मूला होता है, C into Q, Q minus in brackets U minus R effective। ठीक है, और जो CS होता है, जो उसकी यूनिट होती है, उसको हम PPM और मिलीग्राम पर लीटर में लेते हैं। ओके, अगर हमारे पास CS नहीं है तो उसको हम एक डिवाइस होती है, CS को एक और फॉर्मूले से और एक डिवाइस से मेजरमेंट करते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, और जो इसकी यूनिट होती है उसको हम मेजर करते हैं माइक्रो मो पर सेंटीमीटर में। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारा जो क्लासिफिकेशन है 3 टाइप का है, 4 सॉरी, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई। ठीक है, देन हम बार बार इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ना बोल करके इसको हम ई से डिनोट करते हैं। जब हमारी ई की वैल्यू लेस देन 250 हो तब जो हमारा होता है टाइप जो होता है लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट्स का, और उसको कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप। ओके,
जब हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है 250 से 750 के बीच में लाई करती है, तो इसे हम बोलते हैं मीडियम टाइप कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट्स। देन इसका यूज़ कहाँ है, यूज्ड आफ्टर लीचिंग। लीचिंग क्या होता है इसको हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है, अभी आप ऐसे पढ़ लीजिए। थर्ड क्या है हमारा, जब ई की वैल्यू, जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू 750 से 2250 के बीच में होती है, तब इसे हम बोलते हैं हाई टाइप ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट्स। ओके, देन इसका यूज़ कहाँ पे है, हाई सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स के लिए पर होता है, ठीक है। और जब हमारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू ग्रेटर देन 2250 है, देन इट इज़ नोन एज वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट्स, और इसका हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ही हार्मफुल होता है, सो इट्स नॉट यूज़। ओके, अब हमारा थर्ड आता है इरिगेशन वाटर क्वालिटी, कौन सा होता है, इसको हम बोलते हैं SAR, ठीक है, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इधर क्या था हमारा कि जो ये था टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट्स में, इसमें जो चांसेस होते हैं क्वेश्चन के न्यूमेरिकल के 10% होते हैं, बट फॉर्मूला को जो मतलब कि पूछने की प्रोबेबिलिटी होती है वो 90% होती है, ठीक है। 10% न्यूमेरिकल एंड 90% फॉर्मूला पूछा जा सकता है, और इसमें क्या है SAR, इसमें इक्वली होता है प्रोबेबिलिटी पूछने की, 50% फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं और डायरेक्टली वैल्यू दे करके इसका मतलब कि न्यूमेरिकल कंसंट्रेशन दे करके इसकी SAR की वैल्यू भी पूछ सकते हैं, और ये भी पूछेंगे कि किस रीजन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो SAR क्या होता है हमारा कि सोडियम एडसॉर्प्शन रेशियो, ठीक, ये शायद आपको दिखाई पड़ रहा होगा अच्छे से। इसमें क्या है कि सोडियम कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कैल्शियम का कंसंट्रेशन प्लस मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन बाय 2 ओवर रूट, ठीक है। तो SAR का ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, इसको आपको अच्छे से माइंड में रखना है हमेशा के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये देगा, इसकी इसकी इसकी, और आपसे SAR पूछेगा कितना आ रहा है, ठीक है। देन इसका क्लासिफिकेशन कैसा है कि इसको मैंने एक टेबल में बना रखा है, टेबल के फॉर्म में, जिससे कि आपको इजी रहे लर्न करने में, ठीक है। तो SAR हमारा देखिए, जब SAR की वैल्यू 0 से 10 के बीच में लाई कर रही है तो इसे बोलेंगे लो। तो टाइप ऑफ वाटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट हमारा SAR होगा, फिर टाइप ऑफ वाटर होगा, थर्ड हमारा होगा सुटेबिलिटी, कहाँ पे इसका हम यूज कर सकते हैं। तो जब वैल्यू 0 से 10 के बीच में है तो ये हो जाएगा लो सोडियम वाटर, सोडियम वाटर हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो यूज़ करते हैं फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। सेकेंड क्या है कि हमारा जब SAR की वैल्यू लाई करती है 10 से 18 के बीच में, जिसे बोलते हैं मीडियम टाइप ऑफ वाटर, जिसका यूज़ करते हैं ओनली कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, ठीक है। जब हमारा SAR का वैल्यू लाई करेगा 18 से 26 के बीच में, तो ये हमारा हो जाएगा हाई सोडियम वाटर, ठीक है। इसको भी हम यूज़ करते हैं आफ्टर लीचिंग, अगेन लीचिंग कमिंग, सो इसको हम बाद में समझेंगे लीचिंग क्या होता है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दिस लीचिंग वर्ड्स, ठीक है। एंड व्हेन SAR वैल्यू ग्रेटर देन 26, देन वेरी हाई सोडियम वाटर, ओके, एंड इट्स ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर एनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स और प्लांट्स। तो आज तक के लिए बस यहीं तक, आगे हम कल बताएंगे आपको। उससे पहले मुझे आपसे एक बात ये बोलनी है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्स कीजिए, अदरवाइज़ मुझे समझ में कैसे आएगा कि कहाँ पे मेरी गलती है, कैसे मैं उसको इम्प्रूव करूँ। तो सो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई ट्यूटोरियल्स और रिवीजन वीडियो, थैंक यू सो मच।